हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद वीके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट पहला लेके आए हैं, जीएस का। ठीक है, तो आप अपने आंसर टाइप करते रहिएगा। और मैं बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, और बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटी होगी, आप उसे भी दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ तो आपको पता चलते रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। आप अपने आंसर टाइप करते रहिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में है, ओलों की बारिश के बाद वायुमंडल का ताप ए में है आपका बढ़ जाता है, बी में आपका है स्थिर रहता है, सी में आपका है कम हो जाता है, और डी में आपका है बदलता रहता है। तो ए बी सी डी में से आप अपना आंसर टाइप कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी कीजिए, जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? तो चलिए बता दें इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी। तो चलिए सी में होगा, कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए डिटेल आपको बता दें, इसका आंसर होगा सी, ओलों की बारिश के बाद वायुमंडल का ताप कम हो जाता है, क्योंकि ओले गलने के लिए वायुमंडल में बहुत अधिक ऊष्मा ग्रहण करते हैं, तथा इसी कारण पहाड़ों पर बर्फ के समय इतनी ठंड नहीं होती जितनी ठंड बर्फ पिघलते समय होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। स्वेज नहर का निर्माण किस इंजीनियर ने किया था? ठीक है, तो ऑप्शन में आपका ए विश्वेश्वरैया, बी फर्डिनेंड, डी और सी आपका है रॉबर्ट क्रूक, और डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? जल्दी से आप अपने आंसर टाइप करते रहिए, जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, फ्रांस के हैं फर्डिनेंड। चलिए डिटेल आपको बता दें, स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में फ्रेंच यानी कि फ्रांस के इंजीनियर फर्डिनेंड डी ने किया था। यह नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है। इसकी लंबाई लगभग 169 किमी की है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ठीक है, ए 1 अप्रैल 1932, बी 1 अप्रैल 1933, सी 1 अप्रैल 1934 और डी 1 अप्रैल 1935। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे लोग आंसर देंगे। जल्दी से आप अपने आंसर दीजिए। तो चलिए बता दें, तीसरा नंबर का आंसर होगा डी 1 अप्रैल 1935। ठीक है, तो चलिए डिटेल आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में तथा केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त चार स्थानीय बोर्ड जिनका मुख्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। नदी के द्वीप किसकी रचना है? आपको बताना है कि नदी के द्वीप जो है वो किसकी रचना है। ए निर्मल वर्मा, बी कृष्ण शोभित, सी गजानन माधव युक्ति बोध और डी सचिदानंद हरियानंद वात्सयन। ठीक है, अगेय पूरा उनका नाम है, सचिदानंद हरियानंद वात्सयन अगेय। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? जल्दी कीजिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, सचिदानंद हरियानंद वात्सयन अगेय। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन। हर्षवर्धन जिस समय गद्दी पर बैठा था उस समय उसकी आयु कितनी थी? आपको बताना है कि हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा था तो उसकी आयु कितनी थी। ए 15 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 16 वर्ष और डी 13 वर्ष। ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। पांचवें नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? तो चलिए बता दें, हर्षवर्धन जब बैठा था गद्दी पर तो उसकी आयु सी यानी कि 16 वर्ष थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छठवां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन लेते हैं, दृढ़तांक निम्न में से किसका अनुपात है? आपको बताना है दृढ़तांक जो है वो किसका अनुपात है। ए अनुदैर्ध्य प्रतिबल के साथ अनुदैर्ध्य विकृति, बी आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति, सी
अपूर्ण प्रतिबल के साथ अपूर्ण विकृति, और डी तनन प्रतिबल के साथ तनन विकृति। ठीक है, तो एबीसीडी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। छठवां नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, जल्दी से आप बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। जो भी क्वेश्चन का डिटेल होगा मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बता दें, छठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी। ठीक है, हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन लेते हैं, भारत का प्रधानमंत्री निम्न किस प्रक्रिया से बनाया जाता है, मतलब जो ऑप्शन है उसमें से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। ए निर्वाचन, बी नियुक्ति, सी मनोनय और डी चयन। तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। सातवां नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर, जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो चलिए बता दें, बी होता है, बी यानी कि नियुक्ति। तो चलिए आपको डिटेल बता दें, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन व सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होती है। ठीक है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, यानी कि नियुक्ति होती है, अगर आपको ऑप्शन में ऐसा दिखे तो आप नियुक्ति पे टिक करेंगे। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन, शोर किसमें मापा जाता है। ठीक है, जो नॉइज होता है शोर, उस वो किसमें नापा जाता है। ए वाट, बी रेम, सी सेंटीग्रेड और डी डेसिबल। ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। आठवां नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, जल्दी कीजिए। इस सेट में हम 24 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जल्दी आपको प्रैक्टिस सेट 2 भी मिल जाएगा जीके का। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बता दें, इसका होगा डेसिबल। ठीक है, ध्वनि जो है, ध्वनि या ध्वनि की तीव्रता हो या शोर हो, इसका मात्रक आपका डेसिबल होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था। आपको बताना है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है ये। ए हर्षवर्धन, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, जल्दी कीजिए, जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा डी मालवा, गुजरात वो महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, मतलब कैसे आप जान सकते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण साधन क्या है। ए इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख, बी मधुबनी में उत्कीर्ण लेख, सी सांची की गुफा अभिलेख और डी भरहुत भित्तिचित्र। ठीक है, तो आप बताइए कि क्या आंसर होगा 10 नंबर क्वेश्चन का, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। तो जल्दी कीजिए। तो चलिए बता दें, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन इलाहाबाद स्तंभ, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उत्कीर्ण लेख है। ठीक है, इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग है और यह तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए 10 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय होती है। आपको पता चल चुका होगा कि ये सारे क्वेश्चन कितने बार रिपीट होते हैं और डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी देश की राष्ट्रीय आय होती है। तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है। सरकार का वार्षिक राजस्व, बी उत्पादन आयात का योगफल, सी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष, डी निर्यात में से आयात घटाकर। तो बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, इन ऑप्शंस में से क्या हो सकता है आंसर। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी उत्पादन आयात का योगफल। ठीक है, डिटेल जान लेते हैं, किसी देश में एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतरिम
वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग उस देश का राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, तो वित्त वर्ष आप लोग जानते ही होंगे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, ठीक है, उसको वित्तीय वर्ष बोलते हैं। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, ए मोहम्मद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी माल्डूज द्वारा। तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि कौन किसने पृथ्वीराज चौहान को दूसरी तराइन के युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो सारे लोग लगभग सही आंसर दे रहे होंगे, 12 नंबर क्वेश्चन है ये। तो चलिए बता दें इसका आंसर होगा बी, ठीक है, गोरी। तो डिटेल जान लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई हुई, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया, मतलब पृथ्वीराज चौहान जीत गया, ठीक है, जबकि जबकि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुई, इसमें पृथ्वीराज चौहान की करारी हार हुई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा मिलान गलत है। ठीक है, ए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, बी माउंट आबू राजस्थान, सी कोईडुकनाल तमिलनाडु, डी शिमला उत्तर प्रदेश। तो इसमें से आप बताइए कौन सा मिलान गलत है। ठीक है, इसको भी सारे लोग आंसर दे सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन का। इसमें से कौन सा मिलान गलत है, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या गलत है। तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी शिमला, जो उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। संगणन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है, यानी दिखाई थोड़ा कम देता है, ठीक है, उस वो रहता है, तो ठीक है, संगणन का एक रूप और श्वास की समस्याएं पैदा कर सकता है, तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, ए ओस, बी तुषार, सी धूम और डी कुहासा। तो आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर ए बी सी डी में से, फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो इसका आंसर होगा सी धूम, या कुहासा भी बोलते हैं उसको। संगणन धूम कुहासा का एक रूप है जो दृश्यता कम कर देता है और श्वास की समस्याएं पैदा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा इन ऑप्शंस में से आभासी बल है। ए अभिकेंद्र बल, बी अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, सी अपकेंद्रीय बल और डी प्रबल नाभिकीय बल। तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, कौन सा आंसर है आभासी बल का या उदाहरण है। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर। तो आशा करते हैं कि आप चूज कर चुके होंगे। तो बता दें इसका आंसर होगा सी अपकेंद्री बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मेवाड़ के युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल का महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मेवाड़ के युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल का महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन ऑप्शंस में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, ए बी सी डी में से क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर, फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो चलिए बता दें इसका आंसर होगा बी जहांगीर। ठीक है, तो चलिए डिटेल देख लेते हैं। मेवाड़ का युद्ध और चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, शासनकाल था जहांगीर का। ठीक है, तो आप अपने आंसर में जहांगीर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई, और सब लोग जानते हैं कि माउंटबेटन योजना कई बार मैं क्वेश्चन में पूछ चुका हूं, तो आपको डेट बताना है। ठीक है, तो ए में है 14 अगस्त 1947, बी में आपका है 12 जुलाई 1946, सी में आपका 3 जून 1947 और डी में आपका है 13 अगस्त 1948। तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर, फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो चलिए बता दें इसका आंसर होगा सी। ठीक है, 3 जून 1947। चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन
माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह योजना भारत की जन साधारण लोगों के मन बाटन योजना के नाम से भी प्रसिद्ध हुई, मन बाटन योजना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप कर दीजिएगा। फिर है मुस्लिम लीग, अपनी मांग पाकिस्तान पर अड़ी हुई थी, इसी स्थिति में व्यवस्था पूर्वक कांग्रेस तथा सिखों द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल के लिए लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने देश के विभाजन की अपनी योजना प्रस्तुत की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है ये। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है? ए है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस, बी है आपका 60000 डिग्री सेल्सियस, और सी है आपका 6 लाख डिग्री सेल्सियस, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने आंसर टाइप कीजिए, ए बी सी डी में से सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन है ये। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के आंतरिक भाग क्रस्टर भाग का औसत घनत्व कितना है? आपको बताना है कि क्रस्टर भाग का औसत घनत्व कितना है। ए 2.7, 2.7 ग्राम प्रति सेमी स्क्वायर, बी 2.7 ग्राम प्रति सेमी घन, सी 2.8 ग्राम प्रति सेमी स्क्वायर, डी 2.8 ग्राम प्रति सेमी घन। तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि क्या होगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो जल्दी कीजिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी 2.7, यानी कि 2.7 ग्राम प्रति सेमी घन। ठीक है, तो चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अशोक के धर्मोदेशी का उद्याचन पहले किसने किया था, मतलब कि कौन पढ़ पाया था। ठीक है, इसको थोड़ा अलग तरीके से उसने बोला है। ठीक है, तो ए में है आपका जेम्स प्रिंसेप, बी में आपका है सर जॉन मार्शल, सी में आपका है सर विलियम जोन्स, और डी में आपका है चार्ल्स विलिकन्स। तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, और इसको आपको देखते ही कर देना है। ठीक है, तो चलिए बता दें, इसका होगा ए। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। अगर अशोक का कोई भी आया कि कौन पढ़ा था या कुछ भी ऐसा, तो आप ए पे टिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिटेल जान लेते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेदी केल्चनर ने की थी, इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली, या उन्होंने पाई। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ठीक है, अगर आपके लिए आ जाता है आपके में कि प्रथम गुरु कौन थे, तभी भी आपका आंसर वही होगा। ए पतंजलि, बी पारणी, सी अलार कलाम, और डी कपिल। तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर, जल्दी कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी अलार कलाम। तो चलिए डिटेल थोड़ा जान लेते हैं। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि भगवान गौतम बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। पत्तों का रंग लाल, नारंगी और पीला रंग होने का कारण है? तो आपको बताना है कि लाल, नारंगी और पीला पत्तों का कारण जो होने का कारण है वो किस कारण होता है। ठीक है, ए लिग्निन, बी कैरोटीनाइड, सी एड्रिहाइड, और डी टेनिन। तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि क्यों पत्तों का रंग लाल, नारंगी और पीला होता है। ठीक है, तो जल्दी कीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन है ये। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी कैरोटीनाइड। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ए राजाराम, बी
बालाजी विश्वनाथ, सी बाजीराव प्रथम और डी बालाजी बाजीराव। ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि 23 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर, फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल बता दूंगा। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, यानी कि बी आंसर होगा। ठीक है, डिटेल थोड़ा जान लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ द्वारा की गई सेवाओं से मराठा साम्राज्य अपने गौरवपूर्ण अतीत को एक बार फिर से प्राप्त करने में काफी हद तक सफल हो चुका था, इसलिए बालाजी द्वारा की गई महत्वपूर्ण सेवाओं का फल राजा साहू ने उन्हें उनके जीते जी ही दे दिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट का। फिर इसके बाद आप घबराइए नहीं, मैं जल्द ही प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा सेकंड। ठीक है, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज प्लीज लाइक अस और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं दबाया तो। ठीक है, जिससे आपको पता चलते रहे कि कौन सा प्रैक्टिस सेट आ चुका है। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। यदि हम मेंढक की तरह वर्ष में एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिल सकती, मतलब ये कौन कहा है? ठीक है, कांग्रेस के बारे में उपरोक्त कथन किसका है? ठीक है, ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको बताना है कि किसने ये कहा था। ठीक है, पूरा डिटेल मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। और प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। तो चलिए आपको डिटेल बता दें, इसका आंसर होगा बी बाल गंगाधर तिलक। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जब 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया तो बाल गंगाधर तिलक ने बंगालियों द्वारा इस विभाजन को रद्द करने की मांग का जोरदार समर्थन किया। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा और डिटेल भी मैंने बताया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे सर थोड़ा डिटेल भी बताइएगा, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जो भी डिटेल होगा मैं जरूर आपको दूंगा। कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं इस टाइम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद।